सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टार स्पोर्ट्स एन पी। सो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज आप सबों के बीच में पुनः एक बार जैसे लीग क्वालिफायर मैच के बारे में कुछ अपडेट देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, क्वालिफायर मैच की बात करें तो क्वालिफायर मैच स्टार्ट है, चालू है और प्रारंभ हो चुका है निश्चित तौर पर। और जैसे क्वालिफायर मैच की बात करें तो 27 तारीख यानी कि दोस्तों 27 अप्रैल की अगर बात करें तो 27 अप्रैल को दो मुकाबले खेले गए, एक मुकाबले सुबह को और एक मुकाबले शाम को। और इन मुकाबले की अगर बात करें तो इस मुकाबले में किस टीम की जीत हुई और किस टीम की हार हुई और कौन कौन से खिलाड़ी गोल किए या फिर मैच ड्रॉ रहा, फुल अपडेट के साथ मैं आप सबको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए, वीडियो के आगे तक बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह से स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर आप तक जल्दी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए, 27 अप्रैल 2024 की अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें, हमें दो मैचेस देखने को मिले और उन मैचेस का मैच रिजल्ट क्या हुआ 27 अप्रैल का जैसे लीग क्वालिफायर मैच का। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, अगर हम लोग बात करें जैसे लीग क्वालिफायर मैच 27 अप्रैल का क्या कुछ हुआ, 27 अप्रैल में दो मैचेस हमें देखने को मिला, एक मैच सुबह को और एक मैच शाम को देखने को मिला। और रिजल्ट क्या हुआ तो चलिए आप सबको मैं बताना चाहूँगा। अगर सुबह के मैचेस की बात करें तो सुबह दो दिग्गज टीम के बीच भिड़ंत हुआ। अगर टीमों की चर्चा करें तो एक टीम नज़र आ रहा था हंसदा अस्टर जमशेदपुर और उनके ठीक विपक्ष टीम युवक जागृत एसोसिएशन। जी हाँ, और इस मैच में हमें कुल मिलाकर 9 गोल देखने को मिला। जी हाँ, सुबह को। और साथ में अगर शाम की बात करें तो शाम में भी बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ। अगर एक टीम की बात करें तो यौंग हीरा नागपुर एथलेटिक क्लब और उनके ठीक विपक्ष में थी राजकमल क्लब, इनके बीच भी काफ़ी शानदार मैच हुआ और इस मैच में कुल मिलाकर हमें 2 गोल देखने को मिला। चलिए आपको बता दूं कि यहां पर जो पहला मैच हुआ 27 अप्रैल को सुबह का, इस प्रकार मैच हुआ और कौन कौन से खिलाड़ी गोल करने में सफल हुए तो चलिए आप सबको बताना चाहूँगा। अगर टीम की बात करें हंसदा अस्टर जमशेदपुर और उनके अगेंस्ट में थी युवक जागृत एसोसिएशन, ये 27 अप्रैल का पहला मैच था। अगर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर जो 7-2 से पराजित किया युवक जागृत एसोसिएशन को और जीत मिली हंसदा अस्टर जमशेदपुर को। तो चलिए अब बारी है गोल के बारे में जानने का। अगर गोल की बात करें, यहाँ पर हमें जो 9 गोल देखने को मिला, 7 गोल हंसदा अस्टर जमशेदपुर। अगर 7 गोल की बात करें कौन कौन से खिलाड़ी गोल किए तो चलिए आप सबको मैं बताना चाहूँगा। 7वें मिनट में हमें गोल देखने को मिला रत्नाकर मुर्मू के द्वारा, वहीं अगर 13वें मिनट की बात करें तो अमर सिंह टुडू के द्वारा, और वहीं 57 मिनट 55 मिनट और 65 मिनट में गोल दागे सुनील मार्डी। जी हां, 3 गोल देखने को मिला सुनील मार्डी की ओर से। वहीं अगर 70वें मिनट की बात करें तो यहां पर मकरू देवगम जैसे खिलाड़ी नज़र आ रहे थे, ये 70 मिनट में गोल करने में सफल हुए और इसे बढ़कर 7 गोल हंसदा अस्टर जमशेदपुर की ओर से हमें देखने को मिला। वहीं अगर उनके अगेंस्ट में जो टीम थी युवक जागृत एसोसिएशन, ये भी काफ़ी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया लेकिन अंतिम समय तक वापसी नहीं कर पाई और आखिर तक ये 2 गोल करने में सफल हुआ। अगर गोलदाता की बात करें तो यहाँ पर समीर मुर्मू एक ऐसे खिलाड़ी थे जो कि गोल करने में सफल हुए। वहीं अगर हम लोग चर्चा करें शाम का मुकाबला का, जो कि यौंग हीरा नागपुर एथलेटिक क्लब बनाम राजकमल क्लब के बीच जो मुकाबला खेला गया, ये भी काफ़ी शानदार रहा और 0 के मुकाबले 2 गोल से जीत हासिल करके यौंग हीरा नागपुर एथलेटिक क्लब को पराजित किया और इसी बीच 2 गोल से जीत हासिल किया राजकमल क्लब की टीम। और इस प्रकार जो 2 गोल हमें देखने को मिला, कौन कौन से खिलाड़ी गोल किए तो चलिए आप सबको मैं बताना चाहूँगा। 66 मिनट में नसीर मुखी के द्वारा गोल हमें देखने को मिला। वहीं अगर 70 मिनट की बात करें तो दानू मुखी के द्वारा गोल हमें देखने को मिला। तो इसी प्रकार 2 गोल से जीत हासिल की राजकमल क्लब की टीम शाम 4 बजे जो कि 27 अप्रैल को मुकाबला हुआ। तो चलिए, जिस प्रकार मुझे इन्फॉर्मेशन मिला मैंने आप सबको बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।